हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अंजना और अंजनाज किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं करेले की ऐसी सब्जी लेकर आई हूँ, ना बिल्कुल कड़वे बनेंगे ना ही कोई झंझट होगा, एकदम झटपट से सब्जी रेडी होने वाली है। मैंने करेले को स्लाइसेस में कट कर लिया है और इनके ऊपर मैं नमक डाल के आधा घंटे के लिए, सिर्फ आधा घंटे के लिए रख दूँगी साइड में, जब तक मैं दूसरे काम कर लेती हूँ। इनको आधा घंटा हो गया है, अब मैं इसको दो तीन बार वॉश कर लूँगी। ये बिल्कुल कड़वे नहीं बनेंगे और झटपट से तैयार हो जाएंगे, बहुत चटपटे और बहुत ही टेस्टी सब्जी बनने वाली है इसकी। मैंने दो तीन बार इनको वॉश कर लिया है और अच्छे से निचोड़ लिया है इनको। और यहाँ पर मैंने दो प्याज लिए हैं, उनको भी कट करके मैंने डाल दिया है इसमें। और एक हरी मिर्च ली है, इसको भी मैंने कट करके डाल दिया इसमें। अब मैं गैस की तरफ जाती हूँ। गैस पर मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, तेल हो रहा है गरम। मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा डाला है और थोड़ी सी सौंफ डालूँगी मैं इसमें। ये भून रही है अच्छी तरह, इनको भून लेना है। अब मैं इसमें हल्दी पाउडर डालूंगी। अब बस हल्दी भी भुन गई है। अब मैं इसमें करेला और जो प्याज ली थी वो मैंने डाल दिए हैं। इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना तड़का लगाने की ज़रूरत है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, एकदम सिंपल तरीके से बता रही हूँ मैं आपको। और इतनी टेस्टी और चटपटी सब्जी बनेगी, बहुत ही टेस्टी, भरवा करेले भी फेल इसके आगे। अब मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दूंगी। ये नमक डाल दिया है मैंने। अब बस मैं इसको मिक्स कर लूंगी। मैं इसमें धनिया पाउडर डाल दूंगी, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूंगी। अब बस मैं इसे मिक्स करके पकने के लिए मैं रख दूंगी इसको। अभी फिलहाल इतना ही करना है। और आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं ऐसे ही रेसिपी आपके लिए लाती रहूँगी नई नई। अब मैंने इसको ढक दिया है पकने के लिए और ये जल्दी से ही पक जाएंगे। बहुत ही चटपटी सब्जी बनने वाली है आज। इसको बीच बीच में चलाते रहना है। ये आधी पक चुकी है। अब बस मैं इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालूंगी। अगर अमचूर पाउडर ना हो तो आप खटाई डाल सकते हैं या फिर कच्ची आम डाल सकते हैं इसमें क्रश करके। अगर वो भी ना हो तो इसमें आप टमाटर को डाल सकते हो ग्राइंड करके। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनेगी, ये झटपट से रेडी होने वाली है। सब्जी हमारी बन चुकी है ऑलमोस्ट। ये देखो क्या खुशबू आ रही है इसकी। चाहे बच्चों के टिफ़िन में रखो, ये जल्दी से बन जाती है, चाहे आप घर पर बनाओ इसे। और प्लीज़ आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है वो कमेंट बॉक्स में बताना। और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।